गुड मॉर्निंग बच्चों, जो कल हम आप लोगों को बताए थे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल, अब उसके बाद बचा हुआ था चेंज इन कलर का एग्जांपल और चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल, चेंज इन स्टेट का एग्जांपल, ये तीनों आज बता दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम अब आज लेंगे चेंज इन कलर का एग्जांपल। एग्जांपल ऑफ रिएक्शन इन विच चेंज इन कलर टेक्स प्लेस। इसमें हम कई एग्जांपल बताएंगे, चार एग्जांपल आपको बताएंगे। ठीक है, नंबर वन, रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट। रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड कलर पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसमें पर्पल कलर चेंज होकर के कलरलेस हो जाता है। द प्रोडक्ट बिकम कलरलेस। इसमें ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो कलरलेस हो जाता है। तो पहला एग्जांपल हो गया रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट। द प्रोडक्ट बिकम या द प्रोडक्ट फॉर्म्ड लिख दीजिए। फॉर्म्ड कलरलेस ये आप लिख सकते हैं। और दूसरा आपको एग्जांपल इसमें देखिए, सेकंड एग्जांपल रिएक्शन बिटवीन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट
हैंड यस ओ टू गैस इज कैरेक्टराइज्ड बाई चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन कैरेक्टराइज्ड बाई द चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। एक ये हो गया और आप लोग इसमें और कई रिएक्शन लिख सकते हैं, एक दो रिएक्शन आपको और बता दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड रिएक्शन बिटवीन CuSO4 सॉल्यूशन एंड जिंक इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर ब्लू टू कलरलेस। ठीक है, एक और आप लिख सकते हैं इसमें, रिएक्शन बिटवीन CuSO4 सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है, रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन टू फॉर्म ग्रीन कलर्ड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ये हम आपको चार एग्जाम्पल इसमें बता चुके हैं।